पावर हाउस में गुमटी संचालक गुमटियों के बजाय सड़क में सामानों को रखकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे यातायात बाधित होने के साथ दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना हुआ है। नगर निगम प्रशासन द्वारा अव्यवस्थित रूप से विभिन्न स्थानों में व्यवसाय कर रहे ठेले खोमचे वालों को विभिन्न स्थानों में गुमटियां रखकर उन्हें व्यवसाय करने स्थान प्रदान किया गया है। पावर हाउस चौक के समीप भी निगम प्रशासन द्वारा गुमटियों को रखकर उनका आवंटन व्यवसाय करने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन गुमटी संचालक गुमटियों के अंदर अपने विभिन्न सामानों को रखकर बेचने की बजाय सड़क पर फैलाकर अव्यवस्थित रूप से रखकर यातायात को बाधित करते हुए व्यापार कर रहे हैं। सभी गुमटियों में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। गुमटियों के बाहर सामानों को फैलाकर रखा गया है, इसके कारण शाम के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। यह गुमटी संचालक और भी अधिक मात्रा में सामानों को सड़क पर फैलाकर व्यापार करते हैं, इसकी वजह से यातायात बाधित होता है और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। नगर निगम के अधिकारियों की आवाजाही भी इस मुख्य मार्ग से बने रहती है, लेकिन ऐसी अव्यवस्थित स्थिति को देखकर भी इनके द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लाइफ पावर हाउस का जो ओवर ब्रिज है, ये कई साल पुरानी ब्रिज है और उसके नीचे तो गुमटी बनाने का कोई परमिशन ही नहीं होता है, परंतु उसके बावजूद भिलाई नगर निगम के द्वारा गलत तरीके से गुमटी का आवंटन किया है और गुमटी किस स्तर पे आवंटन किया है, किस नियम के तहत आवंटन किया, ये समझ से परे है। क्योंकि आज जिन लोगों को गुमटी दिया गया है वो गुमटी से बाहर में आकर दुकानें चला रहे हैं, जिसके चलते आज भी लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। जबकि यहाँ भिलाई का मुख्य सड़क है और ये दोनों विधानसभा, भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा के बीच स्थल में बसा हुआ है। उसके बावजूद भी जबकि यातायात व्यवस्था को सुरक्षित देखने के लिए या सुरक्षित करवाने के लिए इस तरह से जिस तरह से वहाँ दुकानदारें चल रहे हैं उसमें कंट्रोल करना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं नगर निगम के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते आज इन गुमटी करने वाले लोग सड़क पर और अवैध कब्जाधारी लोग जो कि गुमटी इनको मिला नहीं है वो भी वहां पे दुकानदारी चला रहे हैं। और यहां तक कि जो यातायात आप खुद देख सकते हैं, एक गुमटी यातायात जो पैदल के लिए बनाया गया है वहाँ पर निर्मित कर दिया गया है, उससे समझ में आ जा रहा है कि भिलाई नगर निगम में आज किस तरह से गुमटियों का आवंटन करके कहीं ना कहीं बंडरवाट करके लोगों को परेशानियों से जूझने के लिए मजबूर किया है। गुमटी संचालकों द्वारा अपनी गुमटियों को केवल गोदाम बनाकर रख दिया गया है, व्यवसाय अब भी इनके द्वारा पूर्व की तरह अव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। इन्हें नगर निगम प्रशासन की किसी भी तरह की कार्रवाई का भय नहीं है। जिन ठेले खोमचे वालों को गुमटियों का आवंटन नहीं हो सका है वह गुमटियों को लेने नगर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं जिन्हें गुमटियां आवंटित की गई हैं ऐसे लोगों ने अपनी गुमटियों को गोदाम बनाकर छोड़ दिया है। कुछ गुमटी संचालक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रसूख के बल पर गुमटियों को प्राप्त कर लिया है और गुमटियों को किराए पर दे रखा है। सारी जानकारी निगम प्रशासन के जिम्मेदार विभाग के संज्ञान में है। नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही की वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।